हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए एक गजब व्हीकल लेकर आया हूँ, और ये महिंद्रा बोलेरो। आप अगर ट्रैवलिंग के हिसाब से इसमें लगाते हैं टैक्सी पर्पस के लिए, तो ये बेस्ट व्हीकल बहुत सारी चीज़ों में साबित होता है, जिस पर मैं एक ओवरऑल ग्लेंस बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। तो जैसे फ्रंट लुक में आप देख रहे होंगे, तो फ्रंट का कुछ इस प्रकार से अट्रैक्टिव मिलता है, और वहीं पर बीच में ये दो सिर्फ आपको पियानो ब्लैक फिनिश प्रोवाइड कराए गए हैं, जो ये वाला है और ये वाला, और साइड एज यूजुअल आपको डार्क ग्रेश पैटर्न में मिलता है। वहीं नीचे इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स मिसिंग है, और सामने से लुक कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखेगा। ये वाइट कलर है, वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, और बहुत सालों बाद भी। पहले क्या हो रहते थे कि दूसरे जितने भी गाड़ियाँ थी उसमें जो वाइट कलर है वो हल्का सा येलोइश हो जाता था, पर अब किसी भी व्हीकल में ये प्रॉब्लम नहीं आता ऑलमोस्ट। अब जैसे बुलेरो को ही आप देखेंगे, तो ये जब से शुरुआत हुआ था, जिसमें जब वाइट कलर की शुरुआत हुई है, आज भी वो रनिंग मॉडल में रहता है और उसमें कहीं भी येलोइशपन नहीं दिखता है। तो उसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके अब इसे परफेक्ट वाइट कलर में इन्होंने रखने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ इस बुलेरो का जो ओवरऑल डिटेल है मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मुझे मेरा मेन पर्पज़ ये था कि इस वीडियो को बनाने का, कि आप क्यों इस व्हीकल को टैक्सी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो पहली बात, इसमें इनफ पावर है, वो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पर इसके अलावा मैं बताता हूँ, अगर ऑन एन एवरेज आने वाले समय में अगर शादियों की बुकिंग होती है और उसमें 10 गाड़ियाँ लगती हैं, तो 10 गाड़ियों में से अधिकांश लोग बुलेरो ही प्रेफर करते हैं, जितने भी इंटीरियर वो गांव साइड हो या फिर छोटे मोटे शहरों की तरफ हो। पर जहाँ बड़े शहरों की बात आती है, तो हाँ, एक आध दो लग्जरी प्रेफर करते हैं जैसे इनोवा, पर उसके बाद जो बाकी बारातियाँ रहते हैं, जैसे जो मैक्सिमम जेंट्स रहते हैं, उनके लिए एक आध दो एक्स्ट्रा व्हीकल वो प्रेफर करते हैं, और वो डेफिनेटली बुलेरो ही चुनते हैं। अब इसके हिसाब से ये व्हीकल इनोवा के कंपेयर में करेंगे तो अच्छे खासे रेट में मिल जाती है। तो एक प्रेफरेबल टर्म में आप नोटिस करिएगा कि बड़े शहरों में भी ये गाड़ी चल जाएगी, एक आध दो थोड़ी कम बुकिंग रहेगी, पर छोटे शहरों और गाँव में दिस इज़ 100% व्हीकल कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और शादियों का सीज़न रहता है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जैसे चीज़ें होती हैं, समझ लीजिए कि कहीं पर लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, तो भी कई लोग ये व्हीकल प्रेफर करते हैं, क्योंकि सामान सफिशिएंट रूप से आप रख सकते हैं, उसके बाद भी आपको इनफ बैठने की जगह वगैरह मिल जाती है। और इनफ बेस्ट कलर मेरे ख्याल से वाइट ही प्रेफर आप करिए, क्योंकि मेंटेनेंस कम मांगेगा। आज वो तुरंत में समझ में नहीं आता है, पर जैसे ही 2-3-4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद जब मेंटेनेंस का ख्याल आता है, तो बाकी कलर्स में स्क्रैचेस दिखने लगते हैं, और डेफिनेटली ये वाइट कलर की ये चीज़ गारंटी है कि स्क्रैच भी रहता है तो वो उतना ज़्यादा नहीं खटकता है, क्योंकि ये कलर इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत पैमाने में परफेक्ट होता है। दैट्स दी ओनली रीज़न कि इंडियंस मैक्सिमम कलर जो इंडियंस अभी प्रेफर कर रहे हैं, और शुरुआती 5-10 साल से ये चीज़ प्रेफरेबल टर्म में रहा है कि वो वाइट ही प्रेफर करते हैं। तो मेरा कलर सजेशन है आप यही चुनिए। और बात रही वेरिएंट की, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, B4, B6, B6 ऑप्शनल, इसमें आप कोई ना कोई एक चूज़ कर लीजिए। पर अगर आप टैक्सी पर्पज़ के लिए चूज़ करें, तो मेरा वही सजेशन है कि आप बेस मॉडल ही लें, क्योंकि ये मोर देन इनफ होता है और आपको परफेक्ट पैसा निकाल के इधर देगा। अदरवाइज़ अगर आप दूसरा एक ऑप्शनल पर्पज़ के हिसाब से चलाते हैं लग्जरी पैटर्न में, तो आप उसके ऊपर सेगमेंट में जा सकते हैं, पर आई थिंक B4 इनफ रहेगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा व्हीकल लेते हैं, तो उसका आप टॉप मॉडल ले लीजिए, वो लग्जरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करिए, जैसे लोग एक प्रॉपर बुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल ख़रीदना चाहते हैं और पहला इन्वेस्टमेंट है आपका, या तो बहुत सारे व्हीकल हैं और आपको सफिशेंट एक और व्हीकल चाहिए जो आप शादी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली बेस मॉडल ही आप प्रेफर करिए। वो अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर जो प्राइस का डिफरेंस है, वो कुछ सालों में जब आप प्लस करके बना लेंगे और आप समझ पाएंगे कि इस बुलेरो में मेन इंजन और सिटिंग कंफर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आप उस पैसे का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू समझ जाएंगे। सो मेरा था ये सजेशन, आपको कौन सा व्हीकल बुकिंग पर्पज़ के हिसाब से सही लगा, कॉमेंट डाउन बिलो।